बेतवा नदी के जलस्तर में आज भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 10 फीट शेष बचा है। खतरे का निशान 1373 फीट है, जबकि आज सुबह 8 बजे दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार बेतवा का जलस्तर 1363 फीट हो चुका है। सोमवार दोपहर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी दीपक शुक्ला सहित अन्य अधिकारियों ने बेतवा नदी के पुल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जितेंद्र भाई इधर आ जाओ। बारिश के चलते क्या हालात हैं और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जैसा आपको विदित है, पूरे रीजन में अतिवृष्टि की स्थिति है और नदी के जो अपस्ट्रीम वाले जो एरियाज हैं, जो कैचमेंट वाले एरियाज जो हैं, उसमें भी अतिवृष्टि हुई है और मौसम का जो पूर्व अनुमान भी है, अभी ये अतिवृष्टि और होने वाली है। उसके क्रम में आज हम लोग यहाँ पे निरीक्षण करने पहुँचे हैं। बेतवा पुल पे आप देख पा रहे हैं कि जो छोटा छोटे जो रपट है उसके ऊपर से पानी जा रहा है, वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जो आसपास के घाट्स हैं, जो मंदिर हैं, उन सभी के रास्ते अभी बंद कर दिए गए हैं और एहतियातन रूप से उनको सुझाव दिया गया है कि कोई यहाँ पे अभी किनारे ना आए, क्योंकि पानी जो है वो गति काफ़ी तेज़ है और हमें सभी को भी ये सूचित कर दिया गया कि पानी का जो नदी के पास किसी को आना नहीं है। बराबर नज़र रखी जा रही है और जो भी एडवाइजरी जा रही हैं उसका पालन किया जा रहा है। सर, एक दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश थे कि जन्माष्टमी पर स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाए, इसके उपलक्ष्य में आज क्या आयोजन है? जैसा आपको विदित है, आज जी के निर्देशानुसार सभी स्कूल कॉलेजेज में धूमधाम रूप से मनाया जा रहा है। सभी स्कूलों में और किस तरह के संस्थाओं में श्री कृष्ण जी की के जीवन से जुड़ी हुई प्रसंग वगैरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और अभी हम लोग भी सीएम राज स्कूल में गए थे, वहाँ पे जन्माष्टमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। उसमें बच्चों की प्रस्तुतियाँ काफ़ी आनंदमयी थी, उसमें शामिल हुए हम लोग और पूरे ज़िले में एक हर्ष का माहौल है और आप सभी को मेरे माध्यम से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं मैं। वृष्टि के चलते सुरक्षा के क्या इंतजाम पुलिस विभाग द्वारा किए गए? देखिए, पिछले 2-3 दिन में जैसा कि लगातार न सिर्फ विदिशा जिला बल्कि हमारे जो ऊपरी जिले हैं, रायसेन, भोपाल, इन जिलों में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और भोपाल के कई डैम्स के गेट भी अभी खुले हुए हैं जिसका पानी पूरा हमारे बेतवा जी में आ रहा है। इसको देखते हुए विदिशा, बासौदा, कुरवई और अन्य सभी जो महत्वपूर्ण हमारे कस्बे हैं जहां नदियों का प्रवाह है, वहां पे उन सबको अलर्ट पे रखा गया है। लगातार हर 4 घंटे में हमारे अधिकारी या टीम वहां पे विज़िट करके देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी बाढ़ की स्थिति तो नहीं है। जो भी पुल पुलिए रपटे जहां पे पानी ऊपर से बह रहा है, वहां पे पुलिस बल या होमगार्ड या ग्राम चौकीदार तैनात किए गए हैं। आवश्यकतानुसार स्टॉपर्स लगाए गए हैं और अभी तक पूरे ज़िले में कहीं भी ऐसी जलभराव की स्थिति या कोई क्षेत्र कट ऑफ हुआ हो ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन लगातार हमारी पूरी टीम उस पर निगाह रखे हुए हैं और सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं।